नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडिया के एंशिएंट टेंपल्स के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। ये टेंपल्स न सिर्फ हमारी कल्चर और हिस्ट्री की निशानी है बल्कि कमाल की आर्ट और सीक्रेट्स का खजाना भी है। तो रेडी हो जाइए, आज हम आपको ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जिनको सुनकर आप कहेंगे, अरे वाह, ये तो गजब है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खजुराहो टेंपल की। ये टेंपल अपनी अमेजिंग आर्किटेक्चर और मूर्तियों के लिए फेमस है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मूर्तियों के पीछे एक कहानी भी है? कहते हैं कि इन मूर्तियों में लव, लाइफ और स्पिरिचुअलिटी को दिखाया गया है। और सुनो, खजुराहो टेंपल सिर्फ एक टेंपल नहीं बल्कि 85 टेंपल्स का एक ग्रुप है। सोचो, उस टाइम में इतने बड़े बड़े टेंपल्स कैसे बने होंगे? सच में हमारे एंसेस्टर्स कमाल के इंजीनियर्स और आर्टिस्ट थे। खजुराहो टेंपल में यूज हुआ सैंडस्टोन और नक्काशी देखकर तो आज के आर्किटेक्ट्स भी हैरान हो जाते हैं। अब आते हैं कोनार्क सन टेंपल पर, जिसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। क्यों, डर गए क्या सुनकर? डरो मत यार, ये नाम इसे इसके ब्लैक ग्रेनाइट पत्थरों की वजह से मिला है। इस टेंपल की खासियत ये है कि ये एक जायंट चैरियट की तरह बना है, जिसमें 12 पहिए और 7 हॉर्सेस हैं। मानो सूर्य देव खुद इस चैरियट पर सवार होकर निकल पड़े हो। लेकिन दुहक की बात ये है कि आज ये टेंपल पूरी तरह से टूट चुका है। कहते हैं कि इसके टॉप को तोड़ दिया गया था। खैर, जो भी हो, ये टेंपल हमारी ग्रेट हिस्ट्री की याद दिलाता है। चैप्टर 3, मीनाक्षी टेंपल। रंगों का सतरंगी मेला। अब चलते हैं साउथ इंडिया, जहां है मीनाक्षी टेंपल। ये टेंपल अपने कलरफुल गोपुरम्स और नक्काशी के लिए फेमस है। यार, इस टेंपल को देखोगे तो लगेगा जैसे किसी ने रंगों की छड़ी घुमा दी है। इस टेंपल में टोटल 14 गोपुरम्स हैं, जिन पर हजारों देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। सबसे ऊंची गोपुराम 170 फीट की है, जिस पर लगभग 33,000 मूर्तियां हैं। सोचो, इतनी सारी मूर्तियों को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। मीनाक्षी टेंपल सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं बल्कि आर्किटेक्चर का एक कमाल का नमूना है, जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है। चैप्टर 4, बृहदीश्वरर टेंपल। गर्व से ऊंचा, इतिहास का साक्षी अब बारी है बृहदीश्वरर टेंपल की, जिसे राजा राजेश्वरम भी कहते हैं। ये टेंपल भगवान शिवा का है और तमिलनाडु के थंजावुर में है। इस टेंपल का जायंट डोम इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जो 216 फीट ऊंचा है और 80 टन वजनी एक ही पत्थर से बना है। वाह भाई वाह, उस टाइम में इतने बड़े पत्थर को इतनी ऊंचाई पर कैसे ले गए होंगे, ये सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। बृहदीश्वरर टेंपल चोला डायनेस्टी की आर्किटेक्चर का एक जबरदस्त नमूना है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है। चैप्टर 5, सोमनाथ टेंपल। अमर है जो झुकता नहीं। आखिर में बात करते हैं सोमनाथ टेंपल की, जो गुजरात के सी कोस्ट पर है। ये टेंपल भगवान शिवा के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और अपने हिस्ट्री के लिए फेमस है। इस टेंपल को हिस्ट्री में कई बार तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। कहते हैं कि इसे महमूद ऑफ गाजनी ने 17 बार तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार ये टेंपल फिर से खड़ा हो गया, मानो कह रहा हो, मैं अमर हूं, मुझे कोई मिटा नहीं सकता। आज भी सोमनाथ टेंपल लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है और इंडियन कल्चर का प्रतीक है। ओत्रो, तो दोस्तों, कैसा लगा ये जर्नी? दोस्तों, ये थे इंडिया के कुछ एंशिएंट टेंपल्स के अमेजिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।